प्रदेश में बना यूपी का पहला ईडब्ल्यूएस बोर्ड, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर रखेगा पहली नजर। यूपी में गरीबों को लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी, होली के बाद बंद नहीं होगा वितरण। कन्नौज में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर होने वाले मुकदमों के खिलाफ उठी आवाज, सपा नेता ने कहा बीजेपी नशे में चूक। गाजियाबाद में आज देखी पहली रीजनल ट्रेन के कोच की झलक, जल्द ही शुरू होगा सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। ये बोर्ड शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी नियमों के पालन की निगरानी भी करेगा। ये बोर्ड समय समय पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। इसमें तकनीकी और शिक्षा विभाग और भर्ती आयोग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसा प्रयोग करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। शासन ने 2 से 3 दिन के अंदर इस बोर्ड का प्रारूप मांगा है। इसके अनुसार समाज कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष और समाज कल्याण राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव इस बोर्ड के सदस्य होंगे। यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित अधिकारी भी बोर्ड में शामिल होंगे। इस प्रारूप को नई सरकार के गठन के तत्काल बाद होने वाली कैबिनेट में रखे जाने की योजना भी तैयार कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शुभम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, ईडब्ल्यूएस एक बोर्ड की तैयारी जो है उत्तर प्रदेश करने जा रहा है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से कहा जा सकता है देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर ईडब्ल्यूएस का कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में रखा गया। और साफ कहें तो शिक्षा संस्थान जो है, जो नौकरियों हैं उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पे एक नजर रखने की कोशिश की गई है। तो कहा जाता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस जो है बोर्ड का गठन किया गया है। और कहा कह सकते हैं इसमें जो शिक्षा संस्थान, नौकरियां, ईडब्ल्यू के साथ नियमों का पालन करके निगरानी करके एक तरीके से लोगों को एक मौका देने की कोशिश की गई है। कह सकते हैं सरकार की एक, उत्तर प्रदेश अगर सरकार की हम बात करते हैं, अनोखी पहल है जिसके जरिए जो लोग वहां पर जो आरक्षित लोग हैं, जो वहां जाना चाहते हैं, जो जिनको मौका मिलना चाहिए उनको कहीं ना कहीं सरकार ने मौका देने की कोशिश की है। और एक अच्छी पहल कही जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि जो आज कह सकते शुरू की गई है। बिल्कुल। और शुभम, अगर देखा जाए तो इस बोर्ड का जब गठन होगा तो इसमें कौन कौन से विभाग शामिल होंगे? बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कल्याण, जो कह सकते हैं समाज कल्याण के लोग उसमें रहेंगे। और कह सकते हैं कि समाज कल्याण राज्य मंत्री वगैरह, इस उपाध्यक्ष वगैरह है, शिक्षा विभाग के लोग हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग के लोग हैं, चिकित्सक के लोग हैं, व्यवसायिक शिक्षा विभाग के लोग, कई सारे बोर्ड जो है बनाए जाएंगे। उसमें एक तरीके से एक टीम बना के गठित की जाएगी, उसमें अलग तरीके से एक ईडब्ल्यूएस की तरफ से आरक्षित जो है उनको चिन्हित किया जाएगा, उनका एक आलकन किया जाएगा, उसके बाद उनको एक जगह दी जाएगी। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश का पहला ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इसमें जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण हैं उस पर नज़र रखी जाएगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन सभी पर पूरी नज़र रहेगी। और जल्द ही, यानी कि होली का त्यौहार बीच में है, होली के त्यौहार के बाद ही इसका गठन होने की तैयारी है। साथ ही साथ जो कैबिनेट होगी और पहली बैठक होगी इस पर चर्चा ज़रूर होगी। यूपी में प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण लोकसभा चुनाव 2024 तक करने की तैयारी है। ये योजना होली के बाद बंद होने वाली थी पर इसे विस्तार देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जनता को होली और दिवाली पर महंगाई से राहत देने के लिए एक एक गैस सिलेंडर भी देने की तैयारी है।
इसका प्रस्ताव खाद्य और रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था, पर चुनाव और कोरोना के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च के अंत तक इस योजना के जारी रखने का ऐलान किया था। अब सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव 2024 तक विस्तार देने की तैयारी में है। योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा समूह तैयार किया है। इस समूह में महिलाएं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक शामिल हैं। प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर, खाद्यान्न योजना के तहत मुफ्त राशन, शौचालय और उज्ज्वला योजना का लाभ मुहैया कराया है। और मेरे सहयोगी शुभम एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, 2024 तक यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को मुफ्त राशन देने की तैयारी सरकार कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, आपको जिस तरीके से कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इस बार दूसरे फेज में आ चुकी है, क्योंकि दूसरी बार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर कह सकते हैं 21 तारीख को शपथ लेंगे। उसी के बाद अब कहा यह भी जा सकता है कि 2024 तक पूरी तरीके से एक ग्राफ तैयार किया गया, जिसमें जो कह सकते हैं कि 2024 आएगा उसमें सभी को जो राशन है वो मुहैया कराया जाएगा। उसी के साथ जो सरकार की अगर बात करते हैं, सरकार ने इन्हीं मुद्दों को लेकर के सामने आई थी। उसी के बाद कहा जा सकता है कि अब जो आवास वगैरह है उनको भी कहीं ना कहीं समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2022 तक का जो समय रखा गया, समय अवधि रखी गई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोच जाहिर सी बात है बिल्कुल शुभम। और देखा जाए तो जिस तरह से ये योजना पूरी आगे बढ़ाने की तैयारी सरकार ने की है, देखिए 2022 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे भी आ गए हैं, बीजेपी को बम्पर जीत भी मिली है, लेकिन 2017 के मुकाबले सीटें कम हुई हैं। क्या यही वजह है? क्योंकि महंगाई को लेकर और राशन को लेकर भी तमाम लोग जो है वो आगे आ रहे थे, बोल रहे थे, विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा था। जी हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि जब विपक्ष जो है निशाना साध रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला है, क्योंकि एक क्रेडिट जो है जो आम जनमानस है कोविड के मामले में पूरी तरीके से लोगों का जब व्यापार ठप हो गया था, चीजें ठप हो गई थी, तो उसकी जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया और उसके पूरी तरीके से कह सकते हैं उसको संभालने के बाद उन्होंने हर किसी को एक राशन देने की एक उम्मीद जताई। कह सकते हैं कि प्रदेश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो भूखा सोया हो, कहा जा सकता है इसी का कहीं ना कहीं सीटें जरूर कम हुई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और सरकार के साथ अब कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें होने जा रही है। कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, सबसे पहली जो मीटिंग होगी उसमें पहला निर्णय जो है वो किसानों के लिए और आवारा जानवरों के लिए इस तरीके के जनता के फेवर में लिए जाएंगे। बिल्कुल शुभम, इसके अलावा देखिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, इस योजना के तहत एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात होली पर कही गई थी कि होली के त्योहार पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारी सरकार ने की है? बिल्कुल कह सकते हैं सरकार ने पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार अपने जो निर्णय है वो स्वयं रखते हैं और कहीं ना कहीं उसकी निगरानी भी रखते हैं। उसी के साथ कह सकते हैं इस बार जो होली के त्योहार पर उज्ज्वला योजना के तहत जो लोगों को सिलेंडर मिलना था सरकार की मुहिम है, शायद उनको कहा जा सकता है कि जल्द ही जो है सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और एक जो ग्राफ है वो तैयार किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द जो सरकार की तरफ से जो जो उनका एजेंडा था, जो उनकी चीजें थी वो जनता तक पहुंचेगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया तुम आप जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तैयारी सरकार ने कर ली है, 2024 तक उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, साथ ही साथ जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर के तहत एक सिलेंडर मुफ्त देने की बात की जा रही थी उसको लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, यानी कि होली के बाद भी जो मुफ्त राशन वितरण है वो खत्म नहीं होने वाला है, 2024 तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। हालांकि 2022 तक ही मार्च तक ये जो तिथि थी वो तय थी कि इस समय तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव तक अब पूरे उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन की तैयारी की जा रही है।
कन्नौज में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर होने वाले हमलों और मुकदमों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सपा नेता इस मामले में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित जिले के वरिष्ठ सपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हो रहे हमले और दर्ज हो रहे मुकदमों को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि चुनाव होते रहते हैं और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी से जुड़े लोग सपा से जुड़े समर्थकों पर हमले कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सपा नेता नवाब सिंह का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न ना कर हम नेताओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के लोग हमारे लोगों को परेशान ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा आज का उद्देश्य है। आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। उद्देश्य हमारा ये है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। जो भी जनता ने जनादेश दिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे प्रशासन का तानाशाह रवैया है उसकी घोर निंदा ही नहीं करते हैं, हम तैयारी भी करने अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि हम तैयारी भी कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हम सबको जेल जाने के लिए, उन्हें इसी में संतुष्टि है, तो हमारा कार्यकर्ता जेल नहीं जाएगा। हम नेता जो हैं जनपद के वो पहले जेल जाएंगे। आप देखिए सलेमपुर में बीएससी का छात्र कहीं एक से एक जेल होती है, उसे जेल भेजा गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शुभम कटियार मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सपा कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता उन पर हमले कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, आपको बता दें कहीं ना कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी का पूर्व बहुमत का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, तब से कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं कन्नौज में देखने को मिल रही है। वही अगर हम बता दें, बात करें तो अभी हाल ही में कल ही कन्नौज में 17 नाम दर्ज लोगों के साथ साथ 30 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा जैसे धाराओं मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसको लेकर आप सपा नेता नवाब सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार के दबाव प्रशासन परेशान करेगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उन्होंने प्रशासन सख्त लहजे में ये भी कहा है कि कार्यकर्ता कोई जेल नहीं जाएगा, अगर नौबत आई तो हम नेता लोग प्रशासन से दो दो हाथ करने को तैयार होंगे और जेल जाएंगे। जी बिल्कुल शुभम, तो अब कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से? जी अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि उनका अगर बीजेपी का धर्म पक्ष जाने तो साफ तौर से कहते हैं कि नहीं, हम इस प्रकार की कोई भी कार्य हमारे द्वारा नहीं कराया जा रहा है। वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का लगातार आरोप है कि इस प्रकार का काम सरकार के दबाव में प्रशासन कर रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कन्नौज का ये पूरा मामला है। दरअसल यहाँ सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जीत के बाद लगातार सपा कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही साथ सपा नेताओं का कहना है कि हम किसी भी कार्यकर्ता को जेल जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। साथ ही साथ उनका कहना है कि हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि वो ऐसा ना करे, कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी फिलहाल सत्ता के नशे में चूर है और इसी वजह से जो कार्यकर्ता हैं लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। वही योगी आदित्यनाथ कल 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। वो होलिका दहन, भगवान रिपसिंह की शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों और रस्मों में शामिल होंगे। 20 मार्च को लखनऊ वापस लौटेंगे, जिसके बाद 21 मार्च को शपथ ग्रहण संभव है। बता दें कि 17 मार्च गुरुवार की शाम 4 बजे पांडेहाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के साथ फूलों से होली भी खेलेंगे। यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां और बैंड भी शामिल बताए जा रहे हैं। भारत के प्रथम रीजनल रेल का पहला कोच आज गुजरात से गाजियाबाद के दुहाई के हाल्ट कॉरिडोर आ चुका है।
आज इसे जनता के सामने पेश किया गया। बाहर से देखने में बिल्कुल वंदे मातरम भारतीय रेल की तरह दिखाई देता है और अगर इसे दूसरी ओर से देखा जाए तो ये मेट्रो की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें दोनों के मुकाबले अलग ही टेक्निकल सुविधाओं के साथ बनाया गया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम ने रैपिड रेल के प्रथम कोच का जायजा लिया, आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। भारत की पहली रैपिड मेट्रो ट्रेन का ये इंजन यहाँ पर लगाया गया है और इसको तैयार किया गया है और दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से भारत में जो 82 किलोमीटर का रैपिड मेट्रो ट्रेन का जो ब्रिज बन रहा है वो किस तरह का रहेगा और किस तरह का ये सफ़र रहने वाला है। ये पहली तस्वीर सीधा आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर देख रहे हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, इसको वंदे मातरम जो ट्रेन है उसका लुक देते हुए दिखाया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका परिचय जानते हुए जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत वत्स है, मैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हूँ NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, जिसको मैंडेट मिला है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का NCR में, दिल्ली मेरठ के बीच। आज इसको रखा गया है, क्या उद्देश्य है, कितने दिनों में लगभग ये तैयार हो जाएगा और कितने दिनों में ये मेट्रो ट्रेन जो है रैपिड मेट्रो ट्रेन ये दौड़ने लग जाएगी? तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मेट्रो से ये सिस्टम बहुत अलग है। मेट्रो जो है वो एक सिटी के कम्यूट को सॉल्व करता है, कि जैसे दिल्ली मेट्रो हुआ, कानपुर मेट्रो हुआ, कोची मेट्रो हुआ। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो दिल्ली को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आप समझिए, दिल्ली के आसपास की सिटीज़ को सिटी टू सिटी कनेक्ट देता है ये, और इसकी स्पीड 3 गुना तेज है मेट्रो सिस्टम से। इसी वजह से ये जो आज हमने ये अपॉर्चुनिटी ली कि हम आप लोगों से साझा करें कि अंदर से ये ट्रेन कैसी दिखेगी, क्या क्या सुविधाएं हमने लोगों को सोच के कि ऐसे रीजनल कम्यूट में क्या लोगों को दिक्कतें आती हैं उसको सोच के जैसी सुविधाएं दी, जैसे लगेज रैक दिया है, वाईफाई की सुविधा है, चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, इस तरह की आपने बहुत सुविधाएँ इसमें देखी होंगी, हमने रखने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए जो इन्होंने सुविधा बताई हैं, अब उन सुविधाओं को इस रैपिड मेट्रो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह की सुविधा जो ये बता रहे हैं वो देखने में कितनी दिलचस्प होने वाली है। अगर ये हम अंदर से देखेंगे तो ये ड्राइवर कोच है और यहाँ से ठीक आप सामने देखेंगे इसी तरह से ड्राइवर यहाँ इसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं तो अंदर की तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो आप देखते हैं आमतौर पर जो मेट्रो में देखा जाता है दोनों साइड में जो है चेयर्स लगी होती है, लेकिन इसको जैसे कि बताया कि रीजनल ये ट्रेन है तो ऐसे में लंबा सफ़र होगा तो यात्रियों को बैठने के लिए जो सुविधाएँ हैं वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है, चेयर हैं और साथ में जो मोबाइल चार्जिंग की जो सुविधाएँ है वो यहाँ पर दी गई है, सॉकेट दिया गया है और USB एक कनेक्शन यहाँ दिया गया है। इसके अलावा ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ लगेज की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा जब देखेंगे कि किसी भी तरह से जो भी गेट होता है, गेट से आते समय इस तरह की सीट दी गई है कि उसको कभी भी अपने हिसाब से खोला जा सकता है और देखा जा सकता है। और पूरे अंदर तक अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह की सुविधा इस रैपिड मेट्रो में दी गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 82 किलोमीटर के सफ़र की बात चल रही थी वो अब धीरे धीरे साकार होती नजर आ रही है और ये पहला कोच है जो यहाँ पर पहुँचा है, गुजरात से यहाँ पर इसको पहुँचाया गया है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वहीं मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र के मीरठ करनाल हाईवे पर भीषण दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बुलेरो और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। वहीं टक्कर में एक बच्ची और एक अन्य व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 21 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फतेहपुर में मतगणना स्थल में सिपाहियों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ 7 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की और बदतमीजी की थी, जहां थाना अध्यक्ष हुसैनगंज ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर 43 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य कई सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी इलाके की मोदी नेचुरल फैक्ट्री के कर्मचारियों ने गेट के बाहर खड़े होकर जमकर प्रदर्शन किया।
दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें होली के मौके पर सैलरी नहीं दी गई है, जिससे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने फैक्ट्री पर आरोप लगाया है कि उन्हें सैलरी नहीं दी गई। ये पूरा मामला थाना सुनगढ़ी इलाके की मोदी नेचुरल फैक्ट्री का है। दिक्कत यही आ रही है, त्योहार का टाइम है, इस समय पैसे मांगने जाओ साहब मना कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो 19 तारीख को पैसे देंगे। कौन कह रहा है 19 तारीख को? शर्मा जी, मतलब वो शुक्रवार जी वो शर्मा जी के ऊपर छोड़ देती हूँ, वहाँ मिलने जाओ, वो सीधे यही कह रहे हैं कि हम 19 तारीख को पेमेंट। मतलब त्योहार के टाइम पर टाला मटोली की जा रही है? टाला मटोली। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब हमारा पेमेंट दे दें। मैं रिफाइनरी में अंदर काम करता हूँ। कौन सी कंपनी में? मोदी नेचुरल में। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वहीं पीलीभीत में ही गन्ने से भरे ट्रक ने साइकिल सवार एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार युवक के अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला थाना अमरिया क्षेत्र के नहर पुल का बताया जा रहा है। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है, जहां पर गन्ने से लदा हुआ ट्रक जो है सामने से आ रहा था, जिससे साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में लिया है, साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में एक तांत्रिक के कहने पर होली के शुभ मुहूर्त पर देवताओं को खुश करने के लिए एक व्यक्ति ने बच्ची का अपहरण कर लिया ताकि वो उसकी बलि दे सके। आरोपी ने ये सब इसलिए किया ताकि उसकी शादी जल्दी हो सके। हालांकि पुलिस की सक्रियता के कारण बलि देने के लिए अगवा की गई बच्ची को बागपत से बरामद कर लिया गया। इस मामले में दो आरोपियों यानी कि अपहरणकर्ताओं सोनू और वारदात में शामिल उसके जीजा नीटू को दबोच लिया गया है। वहीं तांत्रिक सहित तीन अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। आरोपियों को पकड़ने और बच्ची को सकुशल खोजने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने 50,000 का इनाम दिया है। तो नोएडा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर होली को लेकर तांत्रिक के कहने पर एक शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एक बच्चे का अपहरण किया गया, बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है, साथ ही साथ अन्य आरोपियों को लेकर दबिश देने की तैयारी भी पुलिस कर चुकी है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।